हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएटिव। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बोटनेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम कुर्ती कटिंग कर लेंगे। अब हम बोटनेक के लिए नेक के लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम नेक की लेंथ लेंगे 3 इंच। अब यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से राउंड शेप बन देंगे, इस तरह से बोटनेक का शेप दे देंगे। यहाँ नीचे हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हमारे नेक की टोटल लेंथ होगी 6 इंच। अब हम देखिए, इस तरह से कुर्ती को ओपन करेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे टैप करेंगे। अभी देखिए, हमारा दूसरी साइड पे भी मार्क आ जाएगा। अब इस मार्क को हम डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, नीचे इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। सेंटर से हम साइड में इस तरह से ले जाएंगे, 1 इंच का ऊपर मार्जिन दे देंगे और इस तरह से यहाँ पे हम एक ड्रॉप शेप को बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम ड्रॉप शेप का बना लेंगे। ये देखिए, हमारे बोट नेक की टोटल लेंथ 6 इंच है। अब इस कुर्ती का हम सेंटर निकालेंगे। देखिए, सेंटर से हमारी डिज़ाइन बाहर की तरफ 2.2 इंच तक जा रही है। देखिए, तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन को सेंटर निकाल के भी बना सकते हैं। अब हम फैब्रिक लेंगे और बुकरम लेंगे। फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, बुकरम नीचे रखेंगे। फैब्रिक का राइट साइड हम रखेंगे ऊपर की तरफ। अब हम कुर्ती को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए, कुर्ती का राइट साइड और फैब्रिक का राइट साइड हम एक तरफ रखेंगे और बुकरम नीचे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है और बुकरम पे देखिए, सिलाई के साइड में हमने 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से इसे कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक पे भी देखिए, 1 इंच का इस तरह से साइड में मार्जिन लेंगे इस तरह से। देखिए, हम साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए, जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इस डिज़ाइन को कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने डिज़ाइन को कट कर दिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे हम फोल्ड करने से पहले देखिए, यहाँ पे इस डिज़ाइन को हम कट करेंगे। देखिए, इसे हम कट करेंगे, केवल हम बुकरम और फैब्रिक को ही कट करेंगे इस तरह से। देखिए, हम नीचे वाले फैब्रिक को कट नहीं करेंगे। जो हमारा फैब्रिक है इसे हम कट नहीं करेंगे, केवल इसे ही हम सेंटर से कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है। अब इस डिज़ाइन को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने डिज़ाइन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ भी हमने बुकरम पे फैब्रिक को फोल्ड करके उस पर भी सिलाई लगा दी है। और इस तरह से देखिए, हमारा ये बोटनेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी कुर्ती या फिर टॉप या फिर ब्लाउज़ में ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको हमारा ये बोटनेक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।